अब आप जानते हैं कि वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने हाथों को धोएं और अपने चेहरे को न छुएं। इन दोनों चीजों को करना बहुत जरूरी है। जब कोई ऐसी व्यक्ति खांसती है या छींकती है जो वायरस से बीमार हो, तो वायरस उनके मुंह से हवा में जा सकता है। यदि आप उनके पास हैं और आप वायरस युक्त हवा में सांस लेते हैं, तो ये आपको बीमार कर देगा। यदि आप किसी को खांसते या छींकते हुए देखते हैं, तो उनसे दूर खड़े रहिए। हालांकि कभी कभी आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई व्यक्ति आप पर खांसेगा या छींक देगा। ये वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभी दूसरे लोगों से दूर खड़े हों। ये कठिन होगा, खासकर जब आप सब्जियां लेने या दवा खरीदने या राशन की दुकान पर जाएं। लेकिन आपको लोगों से यथासंभव दूरी बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी के बहुत करीब खड़े हों, तो ये वायरस फैल सकता है। आप जान जाएंगे कि आप किसी के बहुत करीब हैं यदि आप उनसे 3 कदम से कम की दूरी पर हैं, या फिर आप अपनी बाहों को फैलाकर उन्हें आसानी से छू सकते हैं। सब्जी के स्टॉल या दवाई की दुकान पर सबसे अच्छी बात यह है कि एक कतार में लगें और विक्रेता के आसपास भीड़ न लगाएं। अपने पीछे आने वाले व्यक्ति को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहें और उन्हें ये भी समझाएं कि क्यों ऐसा करना बेहतर होगा, या फिर थोड़ी देर इंतजार करना वायरस प्राप्त करने की तुलना में